तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया टाइटल में, आज हम खरगोश को अपने जो है रैबिट्स को जो है ना रोटी देंगे, और आपको ये भी बताएंगे अपने रैबिट्स को आप रोटी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, कोई नुकसान तो नहीं है या कोई इसके फ़ायदे हैं, तो आपको जो है डिटेल में सारी वीडियो में आज बताएंगे। तो चले दोस्तों सबसे पहले जो अपने बाकी जानवरों को जो है दाना वगैरह डालते हैं और बाकी दिखाते हैं। तो खैर मुर्गियाँ वगैरह जो है ना इनको दाना डालना भी, तो ये कबूतरों को भी डालना है। देखे सब भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखे कैसे पागलों की तरह इनको भूख लगी हुई है, रैबिट्स को भी लगी हुई है, इनको भी डालते हैं अभी। तो चले दोस्तों इनको जो है ना सबसे पहले मैं जो है ना क्या कहते हैं दाना वगैरह डाल देते हैं, तो फिर जो है ना आपको दिखाते हैं रैबिट को रोटी डालते हैं, आपको दिखाएंगे जरूर। तो दाना डाल के फिर आपसे मिलते हैं। ताकि जो है ना हमारा चीख भी देखे साथ ही आ गया रोटी खाने के लिए, तो रैबिट्स को जो है ना देते हैं। ये देखें, ये देखते हैं खाते हैं कहीं वो, देखे भी तो पत्ते खाने में मशहूर है वो, दौड़ गया डर गया ये आएगा आएगा आएगा। ये देखे ये आ गई, ये माशाल्लाह दोस्तों खा रही, ये देखे देखा आपने दोस्तों जानवर तो हर चीज़ ही खाता है, हम जो है बस बीच में पनीर करते हैं कि नहीं ये फ़ायदेमंद नहीं है ये वगैरह, ये खाएंगे अब आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है ना दोस्तों मैंने रोटी भी लेना, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी आ रही है, तो दोस्तों जो है ना ये फिर पत्ते वगैरह जो है बहुत मुश्किल होंगे, जो सारे ज़मीन पर गंद बहुत ज़्यादा है, ये भी जल्दी उठा देना मैंने। तो आज भी माशाल्लाह देखे दोस्तों सारी के सारा जो है ना इन्होंने दाना ख़त्म कर लिया है, तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। रैबिट जो आप ये रोटी खा रहे हैं अब जो है ना इनके लिए, इनके जो है बॉक्स के अंदर आ दिया करो ताकि जो है ना दोस्तों खाते रहे। अभी तो ये देखे बड़े शौक से खा रहा है, दूसरा वाला दाना खा रहा था जाके, ये देखे तो जो है ना मुर्गियों को दाना डाला है वो देखे वो खा रही है। अभी मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखे दोस्तों ये देखे ये खा रही है हमारी मुर्गियाँ दाना, वो खा रही है वो, और यहाँ से देखे दोस्तों यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ दूसरी भी खा रही है कौन गई, ये देखे ये आपको अंदर आ रहा होगा जंगल के पीछे, तो ये देखे माशाल्लाह हमारी खरगोश नहीं है ये, और ये खा रही है वो देखे। आजकल दोस्तों इस चीज़ जो है ना हमारे चिक के साथ बहुत आजकल जो है ना झड़पन शुरू हुई है ये रैबिट्स की, और इनकी रैबिट जो है मैंने दोस्तों दो तीन दफ़ा देखा है मारते हुए, ये एक हाथ से रोटी पकड़ी है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे 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 ये बहुत होशियार है रैबिट अपने जो है ना, वो देखे पानी पिएगा नहीं पिया वो देखे, हमारे कबूतर भी गुस्से वाले बहुत हो चुके हैं रैबिट के साथ साथ। देखे आज मैंने दोस्तों डब्स को खोला, तो ये देखे बाहर आई हुई हैं घूम फिर रही हैं, आपने देख लिया कबूतर जो है इधर, मैंने कहा चलें दोस्तों अब जो इनका अंडे तो वैसे ज़ाया हो गए हैं, बच्चा अंदर से ख़त्म हो गया, तो चलें आज इनको जो है ना बाहर इनको भी छोड़ते हैं ताकि ये भी अच्छा अच्छा ही फील होगा इनको। ये देखे रोटी खा रहे हैं कि आ गया दूसरा भी आ गया, अभी आ जाएगा ये भी आ जा आ जा आ जा, ये देखे आ गया आ गया, ये देखे माशाल्लाह दोस्तों दोनों खाना शुरू कर दिया दोनों ने रोटी। तो दोस्तों आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जो है ना इनको रोटी खिलाने का या चावल वगैरह खिलाने का जो है ना कोई नुकसान नहीं है, ना इसे कोई नुकसान होगा ना होता है, क्योंकि दोस्तों हम भी जो है चावल वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं, हमें भी नहीं होता ये जो है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है चावल रोटी का, खासतौर पर इन जानवरों पर, क्योंकि जानवर भी एक हिसाब के इंसान की तरह होते हैं, बस ये है सारी हरकतें इनकी माहित नहीं है, बस यही है कि दोस्तों जानवर जो है ना इस तरह के होते हैं, उनको जो है ना ये चीज़ें डाल सकते हैं हम, जैसे कि हम कबूतरों को देखें मैं रोटी डालता हूँ तो वो भी रोटी खाते हैं, इस तरह हमारे रैबिट्स भी खा सकते हैं, सब जानवर खाते हैं दोस्तों रोटी, इसमें कोई मसला नहीं है। वो अलहदा बात है कि जी बहुत बातें कि ये जानवर खा ले तो ये होता है वो होता है, पर देखें आपके सामने आ रहे इंशाल्लाह इनको ऐसी रोटी वगैरह डालूंगा मैं और आपके सामने रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों देख ले कैसे खा रही, एक आज अभी डाल दूंगा एक शाम के टाइम पर डाल दूंगा, और बस बहुत है इनकी, अब इनको रोटी पर लेके आएंगे ताकि जो है ना ये रोटी वगैरह खाएं, और ताकत दोस्तों इसमें जो है ना पत्तों में कोई इतनी खास किस्म की जो है ना ताकत भी नहीं होती, और आपको पता है रोटी के अंदर जो है काफ़ी जो है ना ताकत भी होती है, और को काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ऐसी होती हैं जो रोटी बड़ी फ़ायदेमंद ये चीज़ है, इसलिए जो है ना रैबिट्स खाते हैं ना। तो ये देखें कैसे कैसे कुतर कुतर के खा रहे हैं, सही अच्छी बात है जानवर खाता रहे खुश रहेंगे। चलें एक और जो है ना हमें फ़ायदा हो गया है, जानवर रोटी खाने लग गया, तो अगर ये दोस्तों ना भी खाते ना मैंने इनको रोटी पे लगाना ही था, भूखा रखना था, और आहिस्ता आहिस्ता ना रोटी पे लग जाना था, इनकी भी सेहत भी अब दोस्तों काफ़ी इनकी सेहतों में अब फ़र्क आएगा,
और इंशाल्लाह इनके बच्चे भी जल्दी हमें देखने को मिले तो बहुत मज़ा आएगा। फिर तो इनके ऐसे ही जो है ना, इनका अलहदा फिर सेटअप बनाऊँगा, मैं अलहदा पिंजरा बनाऊँगा यहाँ पे या वो टैंकी के नीचे, अलहदा से एक सेटअप तैयार करेंगे इनका मिट्टी वाला सारा। गर्मियों में तो इनका अलहदा मैंने कारी देना है, वो सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह, गर्मियों में आपको देंगे। तो इंशाल्लाह इनको ज़्यादा सब रोटी जो है ना मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि जो है ना इधर आके खा लें, क्योंकि ये इनकी दोस्तों पुराद है। मैं इसमें भी अक्सर आपने देखा होगा डालता हूँ, तो वो भी दाना वगैरह जो हो गया इसमें ऐसे डालता हूँ मैं। चले दोस्तों इनको डाल देते हैं तो ये खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे यहाँ बिरजा रोटी वगैरह खाने लग गए, अब इनको जो है ना इनके कई यहाँ पे डालते हैं। आज आज आ जाते हैं आगे तो इनकी अच्छी वो बात हो जाएगी बहुत। ये चिक जो है ना बहुत दोस्तों बहुत तंग करता है हमारे रैबिट्स को, इसे बहुत सताया हुआ है हमारे रैबिट बेचारे, बहुत क्यूट से हैं तो। पर ये भी दोस्तों फिर आगे से जो है ना हमला करने लग जाते हैं। वो देखो वो देखो 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 देखा आपने कि कैसे हम चिक जो है ना वो देखे, अभी भी जो है ना उनके साथ इसको जो है ना उलझने की पड़ी है। ये देखिए आ गया, अब ये खाते रहेंगे रोटी, एक तो खाने लग गया दूसरा भी आ जाएगा। तो खैर दोस्तों अब हम आपको साथ लेके जिम थोड़ी दिखाते हैं, आज जो है इनकी मौज चल रही है हमारी टब्स की, इतनी खुशी से दोस्तों ये देखे उड़ रहे हैं। ये देखे माशाल्लाह ओए ओए गिर गई गई भाई भाई ना चली गए, बस दाना अंदर डाला था पानी भी रखा है इन्होंने खा लिया। अब ये जो है आज का दिन जो है थोड़ा मौज में रह लें, बाहर घूम फिर लें, चलें घूमते फिरते रहें इनकी मर्जी है। तो इन मुर्गियों को दाना डाल दिया, ये भी खाती रहेंगी। तो खैर वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इनको जो आप दाना डाल दे दिया है खाती है, और मुर्गी को ये देखे इसको मैंने अंदर बांध दिया है, फिर बाहर आ गई है, बाहर नहीं आती है लाके, इसको सुबह से खोला है फिर भी। अब दूसरे की बारी है ये मुर्गा दोस्तों, मैं सुबह ऑरेंज वाला खोल देता हूँ मुर्गा और शाम के टाइम पर ये खोलता हूँ, इस वजह से जो है ना फिर ये मसले मसाइल। तो चलें खैर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कबूतर थोड़े आपको दिखा देते हैं कबूतरों का क्या हिसाब चल रहा है। कबूतर भी दोस्तों हमारे दाना वगैरह खा लिया थोड़ो, बस अब ये बच्चा माशाल्लाह दोस्तों हमारा नीचे आ गया, अब माशाल्लाह माशाल्लाह खुद खाने लग गया। और जो है ना अब ये परात उठा देता इसके नीचे भी जो है ये खाने हुए 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 वो देखे खाने लग गया। ये देखे फीमेल यहाँ आ गई, सब खा रहे हैं। ये भी दोस्तों जल्दी अंडा उतारने वाली है, क्योंकि देखे इसका मेल जो है इसको यहाँ से हिलने नहीं देता इसके जगह से। तो खैर चले कोई नहीं, मर्जी इनकी, जब मर्जी अंडे दें, जब मर्जी बैठे, जो मर्जी करते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक लाजमी करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। निकल लीजिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।